लखनऊ के सरोजनी नगर के चंद्रावल ग्राम सभा के सैकड़ों किसानों ने आवारा जानवरों से परेशान होकर 25 अक्टूबर को सरोजनी नगर ब्लॉक में किया था धरना प्रदर्शन। उस दौरान खंड विकास अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आवारा जानवरों को पकड़कर पशु आश्रय केंद्र में रखा जाएगा, लेकिन अभी तक आवारा जानवरों को पकड़ना तो दूर, संबंधित अधिकारी किसानों का हाल जानने तक नहीं पहुंचे, जिससे किसान आज भी आवारा पशुओं से परेशान हैं और अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर, फिर भी नहीं हो रही सुनवाई। देखिए रिपोर्ट। कोई जानवर नहीं, क्या मामला है? ये 25 तारीख को हम लोग खंड विकास अधिकारी वीडियो साहब के यहाँ धरना दिए थे, बैठे थे। आप मीडिया भी, आप लोग भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि कल ही हम वहाँ मौके पर आएंगे और जानवरों के लिए सब व्यवस्था करेंगे। और आज 28 तारीख हो गई है, आज तक कोई अधिकारी नहीं आया। आज आने के लिए कहा, हम सभी लोग इकट्ठा थे कि आवें और हम लोग बताएं क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया। उन्होंने कहा हम बड़ी मीटिंग में कहीं मशगूल हैं, आ नहीं पा रहे हैं। अब 3 दिन हो गए, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी भी नहीं। इसमें ग्रामीणों का आरोप, एक भी जानवर नहीं रहता है, सब जानवर यहाँ के बाहर घूम रहे, लोगों फसलों को नुकसान पहुँचा रहे, क्या कारण है? हाँ, ये सही बात है कि आज लगभग 1.5 महीना से हमारे अंदाजा है, तो पहले थे, बाद में खोल दिया गया या अपने आप चले गए, भगवान जाने, हम नहीं जानते। मगर इसके पहले जो थे, हमारा केवल प्रशासन से इतना ही कहना है कि अगर गौशाला है तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था, चौकीदार कायदे से तैनात हों, जो कि जानवरों को कुत्ते रोज नोचते हैं, खाते हैं, जिससे 4-5 जानवर रोज मरते हैं, रात भर जानवर चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। इससे तो अच्छा है कि गौशाला ना रहे, इतना सारे किसान मर जाएं और सारे किसान के फसल। यहाँ पे चौकीदार नियुक्त है, क्या अपनी ड्यूटी समय से नहीं करता? अगर ड्यूटी करती तो क्या है, कुत्ता नोचती? अगर ड्यूटी होती तो क्यों कुत्ता नोचते? 25 तारीख को हम लोग ने खंड विकास अधिकारी कार्यालय में धरना दिया था और मुझे आश्वासन दिया गया था कि मैं कल ही आता हूँ। विकास खंड अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि मैं कल आ रहा हूँ, मगर कल तो कल हो गया, आज 3रा दिन है, 28 तारीख हो गई है। मगर उस दिन भी मैं आप लोगों के सामने बोला था कि मुझे आश्वासन पर विश्वास नहीं, और आज भी वही शब्द कह रहा हूँ। क्या आपने खंड विकास अधिकारी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, अभी जब से हमने धरना दिया है तब से कोई संपर्क करने की, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा था, इसके कारणवश जो हम संपर्क नहीं कर पाए, और उसी का आज हम लोगों को कुछ हल्की सी महसूस हुई थी कि आज अधिकारी कुछ पहुंचेंगे, मगर अभी अभी पता चला है कि वो बड़े अधिकारियों के जो है आदेशानुसार वो उनके कार्यालय में उपस्थित होना है, इसलिए यहाँ पर नहीं आना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और आप मौखिक उस दिन सामने बात की जा रही थी, लिखित रूप में दी जा रही थी, मगर आज आपके सामने ये हकीकत है कि हमारा गौशाला है जिसको 2,17,800 रुपए में बनाया गया है, मगर इसमें एक बनाना, एक तो प्रदर्शनी मार दिखाने दिखावा है जो आपके समक्ष है, बना कुछ नहीं। और मैं चाहता हूँ, शासन और प्रशासन से चाह रहा हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी हो इसको दुरुस्त किया जाए, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं जो रात में रतजगा कर रहे हैं और अपने फसलों को बचा रहे हैं, उनसे निजात हो और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन हो, सख्ती से हो, और इस गौशाला को गौशाला के रूप में बनाया जाए। लाइक करना ना भूले।